पहलवानों को न केवल राष्ट्रीय कैंप के तौर पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि पहलवानों को अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करने में भी ये बात अहम साबित होगी। उनसे खास बात की डीडी न्यूज ने। इस वक्त हमारे साथ कुश्ती के द्रोणाचार्य अवार्डी ललित कुमार साथ में हैं। आइए ललित कुमार से बात करते हैं और इस बात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि WFI को जो दोबारा से पूर्ण नियंत्रण मिला है, इसका फायदा जो है वो युवा पहलवानों को अब किस तरह से और किस रूप में मिलेगा। पिछले एक साल के दरमियान हमने देखा कि कुश्ती जो है वो विभिन्न कारणों से चर्चा में रही, प्रदर्शन के चलते नहीं बल्कि दूसरे अन्य कारण थे। उन कारणों पर हम नहीं जाएंगे लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब जबकि पूर्ण कंट्रोल जो है वो WFI को मिल गया है आयोग के द्वारा, तो अब किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी क्योंकि ये ओलंपिक वर्ष है। देखिए, परिस्थितियां तो बदलेंगी। पहले क्या था कि जो पहलवानों को ये नहीं पता होता था, कन्फ्यूज़न रहती थी उनमें जो है कि भाई कंपटीशन होगा, टीम जाएगी नहीं जाएगी, गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी, कैंप वगैरह भी नहीं लगते थे, कंपटीशन के यही नहीं पता होता था कब होगा। जैसे आपको पता 2023 में नेशनल नहीं हुआ, कोई भी किसी भी कैटेगरी का नेशनल नहीं हुआ, तो बच्चों को ये पता नहीं रहता था कोई कंपटीशन होगा नहीं होगा, उसका नुकसान हुआ बच्चों को। 2023 में कोई भी नेशनल जो है, चाहे वो आप उसका जूनियर कह लो, कैडेट सब जूनियर कह लो, यानी कि उसकी कोई कंपटीशन ना होने से बच्चों को नुकसान हुआ। हालांकि मिनिस्ट्री ने जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में टीम भेज दी पर नेशनल नहीं हुआ। अब सभी बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते ना, सब कोई बच्चा सेकेंड आता है, थर्ड आता है, तो उनको कंपटीशन नहीं मिलेंगे, बच्चों को तो नुकसान तो होता ही है क्योंकि कंपटीशन खेलने से ही बच्चों को पता रहती है कि उसकी कैसी तैयारी है। आपको लग रहा है कि भारतीय कुश्ती में भी एक चेंज ओवर आ रहा है क्योंकि हमने देखा पहले सुशील और योगेश्वर का दौर, उसके बाद हमने किस तरह से देखा कि जिस तरह से बजरंग और रवि दहिया ने भारतीय कुश्ती को नई ऊँचाइयाँ दी, लेकिन अब धीरे धीरे अब एक दूसरी लेयर जो है वो तैयार हो रही है। यह आपने ठीक कहा कि जैसे पहले जो है हमारे सुशील योगेश्वर थे, उसके बाद बजरंग हुए, रवि हुए, और अब जो है ये अमन, ये नए बच्चे सुजीत है, और भी बच्चे हैं नए उभर रहे हैं। उसका कारण यही है कि अब कंपटीशन का लेवल जो है पहले से अधिक हो गया, सुविधाएं हो गई हैं हर जगह, गांवों में सुविधाएं पहुंच रही हैं, बच्चों को भारत सरकार की तरफ से स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, कंपनियों का फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों को जो है स्पॉन्सर्ड मिल रहे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा तो देखो होता ही है। कह रहे हैं कि भारतीय रेसलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो ऊँचा हुआ है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो पेरिस ओलंपिक के लिए अभी हमारे पास केवल एक कोटा है जो कि अंतिम बंगाल ने जीता है, तो ऐसे में आपको लग रहा है क्योंकि अब पेरिस ओलंपिक काफ़ी नज़दीक है तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार, क्योंकि जिस तरह का विवाद हम देखते आए, जिस तरह से रेसलिंग छाई रही विवादों से, तो इस बीच में कितने कोटा हम जीत पाएंगे और उस कोटा को कितने कोटा जो है वो मेडल में बदल पाएंगे? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि सभी पहलवान अच्छे हैं। हम ये कहें नहीं, ये हम मैं कह दूं कि नहीं दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, वो नहीं, वो तो वहाँ उस दिन कैसा परफॉर्म करता है हमारे खिलाड़ी। अभी जैसे एशिया क्वालीफाई है अप्रैल में 19 से 22, उसके बाद वर्ल्ड क्वालीफाई है, यहाँ पे जो है एशिया में दो रेसलर करेंगे अपने वजन में और वर्ल्ड में फिर तीन करेंगे। अभी दो मौके हैं हमारे भारत के पहलवानों के पास क्वालीफाई करने के। अच्छा, आपको लग रहा है कि अब समय भी है काफ़ी ज़्यादा कि अब कुश्ती के जो अपने हमारे दांव हैं उनमें भी अब कहीं ना कहीं एक चेंज जो है वो लाने की ज़रूरत है? टेक्निक्स की बात कर रहे हो, टेक्निक जो है बच्चों में पहले से ज़्यादा है क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे कोचिज भी जो है अब रिफ्रेशर कोर्स करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में बच्चे जाते हैं, और टेक्नोलॉजी आपको पता ही है आजकल जो है टेक्नोलॉजी से बच्चे जो है सारी चीज़ें फ़ौरन की कुश्तियाँ देख लेते हैं, टेक्निक्स देख लेते हैं, कोचिज भी रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है। बाकी आप, मैंने बताया ना आपको, आप देख लो 2008 से हमारा एक रेसलिंग ही ऐसा खेल है जिसमें हर ओलंपिक में मेडल आ रहा है, हर ओलंपिक में मेडल आ रहा है, और सीधी सी बात है कि इस कड़ी को जो है वो आगे भी बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ ही एक अंतिम सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि खेलो इंडिया में जिस तरह से ये बात कही गई है सरकार के द्वारा कि जो खेलो इंडिया में जो मेडल विनर्स होंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, तो ये इस एक कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, जो अभी सरकार ने पीछे घोषणा की थी कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम में जो मेडल लाएंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, बहुत अच्छा कदम है। उससे क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले तो था ही, और कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कंपटीशन लेवल अच्छा होगा, खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे, उसका परफॉर्म अच्छा करेंगे, उसका फ़ायदा मिलता है। और कोई भी चीज़ है अगर जिस बच्चे को देखेगा, हाँ भाई इसमें मेरी पोजीशन आने पे मेरा भविष्य बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट करेंगे, और पार्टिसिपेंट करेंगे कंपटीशन अच्छा होगा,
कंपटीशन अच्छा होगा तो बच्चे जो है अपने परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो वाकई एक बदलाव का दौर जो है वो ललित कुमार के हिसाब से अब भारतीय कुश्ती जो है वो अनुभव कर रही है, क्योंकि हर खेल की तरह से इस खेल में भी एक बदलाव जो है वो अब आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो पुराने नाम थे जिन्होंने अब तक देश का नाम रोशन किया, अब उनके स्थान पर कहीं ना कहीं जो युवा पहलवान हैं अब वो आगे आ रहे हैं। हालांकि अभी मंजिल जो है वो काफ़ी दूर है और इन पहलवानों को अभी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ साबित करने की ज़रूरत भी है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं गौरव कुमार, डी न्यूज़, दिल्ली। तो ज़ाहिर तौर पर उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय कुश्ती से एक बेहतर